श्रद्धा हत्याकांड जैसी डबल वारदात से देश सन है। जयपुर और झारखंड के साहिबगंज में अपनों की हत्या की गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े टुकड़े किए गए। श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझी नहीं और ऐसी ही सन्न करने वाली टुकड़े टुकड़े कर हत्या वाली डबल वारदात से देश तहल उठा। जयपुर और झारखंड के साहिबगंज में भी ऐसा ही अपराध हुआ। साहिबगंज में दिलदार अंसारी ने आदिवासी लड़की रूबिका पहाड़िन की हत्या कर 12 टुकड़े किए और शव को जंगलों में फेंक दिया। दिलदार से 2 साल के प्यार के बाद रूबिका से दूसरी शादी की थी, लेकिन फिर जाने ऐसा क्या हुआ कि अपने ही प्यार को 12 टुकड़ों में बिखेर दिया। घर वालों ने जब कुछ दिन रूबिका को नहीं देखा तो पुलिस के पास शिकायत की। तब जाकर दिलदार का जालिम चेहरा दुनिया के सामने आया। कुछ ऐसी ही वारदात जयपुर में हुई, जहां भतीजे ने अपनी ही चाची की हत्या कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। घटना 11 दिसंबर की है। शहर से बाहर जाने को लेकर अनुज की चाची से झगड़ा हुआ। बात इतनी बड़ी कि गुस्से में अनुज ने अपनी 64 साल की चाची के सिर पर हथौड़ा मार दिया। चाची की मौके पर ही मौत हो गई। फिर अनुज चाची का शव बाथरूम खींच कर लाया और चाकू से शव को काटने लगा। जब शव नहीं कटा तो बाजार से मार्बल कटर लाया और चाची के शव को 10 टुकड़े कर सूटकेस और बाल्टी में भर दिया और जंगलों में फेंक आया। लेडी का जो भतीजा था उसके द्वारा जो कथन किया गया कि भई ये महिला यहाँ पर गई है वहाँ पर गई है, वो जब कथनों में विरोधाभास आने लग गया और उसमें जब झूठ सामने आना लग गया, तब ये शक की सुई बढ़ती गई और इन छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ते हुए जब एक कंसिडरेबल फैक्ट्स आ चुके थे, उसके बाद जो सस्पेक्ट है, जो इसमें इस केस में कंप्लेनेंट ही है, उसे दस्तियाब करके उसे गहन अनुसंधान किया गया और दौरान पूछताछ फिर उसने ये सारी बात बताई कि किस प्रकार से उसने एक छोटे से विवाद को लेकर अपनी ताईजी का मर्डर किया। चाची की हत्या कर अनुज ने खुद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत की, लेकिन किचन में खून के धब्बे साफ करते वक्त उसकी पोल खुल गई। चाची की बेटी ने उसे खून साफ करते वक्त देख लिया। अब अनुज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ शव के टुकड़े भी बरामद हुए हैं, कुछ की तलाश जारी है। आखिर ये क्या हो रहा है? क्या संवेदना खत्म हो गई है? क्या खून का खौफ नहीं रह गया? क्या रिश्तों की गर्माहट इस कदर जम गई है कि अपनों को ही बेरहमी से मार दे, टुकड़े टुकड़े कर दे? जयपुर से जयकिशन और साहिबगंज से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो।